महज डेढ़ साल में ही सरकार के कथने और करने दिखाई देने लगा है। जहां पर युवकों को रोजगार देने की बात आई थी, लेकिन कल और परसों में दंतेवाड़ा और सुकमा शिक्षा अधिकारी के द्वारा अतिथि शिक्षकों को उनके कार्य से निकाल दिया जाना इस बात को सिद्ध कर रही है। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए थे, क्योंकि आज भी प्रदेश में जहां विज्ञान के क्षेत्र है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, जुलाजी है, बाटनी है, वाणिज्य है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके शिक्षकों की पूरे प्रदेश में कमी है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। और इसी विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के समय अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए थे। ऐसे शिक्षक इन कमियों की पूर्ति करती रही। कांग्रेस के सरकार आने के बाद भी 2019 में एक आदेश जारी किया गया, दिनांक 24/6/2019, ये स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन नया रायपुर मंत्रालय से जारी हुआ था, और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अतिथि शिक्षक जब तक काम करते रहेंगे, जब तक उनके विरुद्ध नियमित शिक्षक की नियुक्ति ना हो जाए और उसके साथ में वो जा करके कार्यभार ग्रहण न कर ले, मतलब जब तक वो ज्वाइन न कर ले तब तक ये आदेश प्रभावी है, और उसके अनुसार से अतिथि शिक्षकों को आज भी उनको काम करने की आवश्यकता है इस प्रदेश में, खास करके छात्रों के हित में। यदि ये निकाल दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षकों की कमी है जिसकी पूर्ति की जाना संभव नहीं है। इससे पूरे छात्र के हित प्रभावित होंगे, और उसके साथ ही साथ में जो शिक्षक अभी लगे हुए हैं उनके भी हित प्रभावित होंगे। एक तरफ सरकार ने कहा कि हम नौकरी देंगे, फिर उसके बाद में नौकरी नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सरकार नौकरी तो नहीं दे पाई, लेकिन जो लोग पूर्व से नौकरी कर रहे हैं, जिनको रोजगार मिला हुआ है, ऐसे लोगों के नौकरी और रोजगार छीनने का काम ये सरकार के द्वारा की जा रही है। आज तक बेरोजगारी भत्ता भी जारी नहीं हुआ है। ये सरकार की जो कथनी और करनी स्पष्ट रूप से उजागर हो रही है। मैं शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से इस विषय में हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं कि वो जो आदेश जारी हुआ है उनको निकालने का, उस आदेश को निरस्त किया जाए, और जब तक इनके जो नियम है, जब तक रेगुलर शिक्षक की भर्ती और ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक इनको कार्य करने दिया जाए, उससे उनको वंचित नहीं किया जाए, जिससे छात्रों के हित प्रभावित न हो। इसलिए इस विषय में तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, मैं उन लोगों से मांग करता हूं।